फिर पीडीएल पीडीएल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद। इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा। मुश्ताक तेरे खून से इंकलाब आएगा, मुश्ताक आएगा। मुश्ताक तेरे खून से इंकलाब आएगा। जिंदाबाद पावर एडमिनिस्ट्रेशन, जिंदाबाद पावर एडमिनिस्ट्रेशन, जिंदाबाद जस्टिस। वी वांट जस्टिस। इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा, इंसाफ ना होगा अंधेरा होगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जालिमो बस करो, बस करो, बस करो। काजलो बस करो, बस करो, बस करो। काजलो बस करो, बस करो, बस करो। पावर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, पावर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, पावर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट। पीडीडी केजरीवाल लेबर को कत्ले आम बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन होश में। जेएनके पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पीडीडी महकमे से। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एज ए नोट ऑन शेम फॉर पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब भी हम देखें पावर सप्लाईज अगर रिस्टोर करनी होती हो तो पीडीएल टीडीएल जिनको उर्फ आम में डिलीवेजर्स कहा जाता है पीडीडी का, तो वही रेस्टोरेशन करते हैं, रिपेयर वही करते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं आए दिन, आप भी न्यूजों में देख रहे होंगे, आप ही कवर करते हो कि हमारे भाई जो है काम के दौरान अपनी जानों का नजराना देते हुए शहीद हो जाते हैं। शहीद होने का रीजन अगर जेन्युइन होता फिर भी चल जाता, लेकिन मसला ये हो रहा है कि नेग्लिजेंस जो हमारे डिपार्टमेंट की है उसकी वजह से हमारे जो भाई हैं वो शहीद हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जो ये हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आए दिन, इसके लिए कुछ किया जाए, प्रॉपर एक्शन लिए जाए, क्योंकि जो इतनी नेग्लिजेंस हो रही है हमारी जो डिपार्टमेंट में हमारी जानों का कोई वैल्यू नहीं रखा गया है, तो इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ किया जाए। फिलहाल के लिए जैसे कि आप सबको पता होगा कल हमारा एक डिलीवेजर भाई जो है मुश्ताक अहमद डार साहब पीडीएल टीडीएल वर्कर था वो भी, तो उसकी डेथ हो गई है इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। प्रॉपर और पूरी तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस थी उनकी हायर अप्स की, उनके इंचार्जेस की, इमीडिएट इंचार्जेस जो थे उनके। पावर चल रहा था, उसको बोला गया पावर नहीं चल रहा है और उसकी जान ली गई। हमारी डिमांड ये है कि जैसे कि एक्सग्रीशिया रिलीफ है एसआरओ 43 जो है वो लागू किया जाए। इसके अलावा जो हम इंश्योरेंस हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारे डिपार्टमेंट में है उसका कंपनसेशन प्रॉपरली मिल जाए उनको। और इसके अलावा मुश्ताक साहब के अलावा भी हमारे बहुत सारे भाई शहीद हो गए काम करते करते, तो उनके केसेस भी पेंडिंग है, वो भी फॉरवर्ड किया जाए दो दिन के अंदर अंदर। अगर दो दिन के अंदर अंदर जो हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम स्ट्राइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो हमारी जो है मांगे जो है वो ऐसे हैं, पहले जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस है जिनकी तनख्वाहें बंद है उनकी तनख्वाहें रिलीज की जाए। जितने भी एक्सीडेंटल केसेस है उनके केसेस जो हैं चीफ ऑफिस फॉरवर्ड किया जाए, एमडी ऑफिस फॉरवर्ड किया जाए ताकि उनको भी प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाए और एसआरओ 43 उन पे एप्लीकेबल हो जाए। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।